बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से राजगढ़ जिले का समापनीय कार्यक्रम पचोर में होने जा रहा है और आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं बहुत ध्यान से और गौर से सुन रहा था और तब मुझे समझ में आ रहा था कि हम अभी भी गुलाम क्यों हैं, क्योंकि जब समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं, सभी साथियों से मेरा अनुरोध आगे है कि जो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं सभी सभा हाल में आ जाए। हमारे मुख्य वक्ता मंच पे आ गए हैं, जो कि विशेष जानकारी के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपनी दूर से आए हो और मुख्य वक्ता की बात नहीं सुनोगे तो आपका आना यहाँ सार्थक नहीं होगा। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभा हाल के अंदर आके शांति से सबकी बात सुने। धन्यवाद। जब संबोधित करने वाले वक्ता खुद उनको लगता है कि वो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मगर उसमें डाल दें, क्योंकि उनके पास में जो जानकारी होती है वो जानकारी के आधार पर उनको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बात रख रहा हूं। और ये रिप्रेजेंट करने का जो मामला है, गलत फहमी के शिकार लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो समाज उसको ग्रहण करके उसी के ऊपर समाज काम करता है, एक पहला कारण। दूसरा कारण कि हम संविधान लागू हुआ तब से हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज 2018 है, लगभग 68 साल पूरा हो गया संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद भी एक बहुत पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, IRS, कर्मचारी, अधिकारी, मगर लड़ाई लड़ने का जो मामला है वो बंद नहीं हुआ। इसका भी कारण जो है आज मुझे पता चला। वैसे तो मैं जब बामसिप का पहली बार कार्यक्रम अटेंड किया तो मेरे औकात का, खुद के औकात का मुझे पता चला कि मेरी खुद की औकात क्या है। जब मुझे पता चला कि मेरी खुद की औकात क्या है तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया और वो कोशिश आज भी जारी है। उसका मुख्य कारण क्या है कि समाज के अंदर जो मानसिक गुलामी है, जो ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमारे दिमाग में उसको स्थापित किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आपको आजाद किया, मगर आप लोगों ने वो आजादी भौतिक रूप से स्वीकार किया, मानसिक रूप से अस्वीकार किया। आज भी हमारा आदमी नाम बाबा साहब का लेता है, नाम समस्त हमारे बहुजन महापुरुषों का लेता है, मगर जैसे एक वक्ता ने कहा, क्या कहा, मानव मानव एक समान, ऐसा चाहिए हिंदुस्तान। जब तक आपके दिमाग में हिंदू की कीड़ है, कीड़ा है, तब तक कभी आप आजाद नहीं हो सकते। ध्यान में रखना, जो खुद गुलाम है वो कभी गुलामों को आजाद नहीं कर सकता है। पहले हमारी गुलामी खत्म करना होगा,
बाद में समाज को आजाद करने के लिए प्रयास करना होगा। तीसरा सिद्धांत मुझे समझ में आया कि लोग बोलते बहुत हैं, मगर वो क्या बोलते हैं कि ये जो हजारों साल की लड़ाई है, ये लड़ाई है, ध्यान में रखना, विदेशी वर्सेस मूल निवासी की लड़ाई है, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं है। एक विदेशी है इस देश में और दूसरे मूल निवासी है, ये विदेशी और मूल निवासियों की लड़ाई है जो हम वर्तमान में आज लड़ रहे हैं हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों के आधार पर। और ये लड़ाई वैचारिक है, बौद्धिक है, उसका उद्देश्य निर्धारित है, उद्देश्य है हमारे मूल निवासियों को आजाद करना। उसके लिए विचारधारा बनाई, हमारे मूल निवासियों को गुलाम बनाने की उद्देश्य और विचारधारा लेकर देश में काम चल रहा है। और कैसे काम चल रहा है, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक लोगों की 90 साल की नौजवान लड़कियां अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए अनुसूचित जाति के, जनजाति के, ओबीसी के घरों में जाकर उनको ब्राह्मणवादी बनाती है, उनको मानसी गुलाम बनाती है। और हमारे 20 साल के बुड्ढे, कितने साल के बुड्ढे, 20 साल के बुड्ढे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कर्मचारी अधिकारियों की तो बात बहुत ही दूर है। ये एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे वक्ता मंच से बोलते हैं, हम सुनते रहते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं और सोचते हैं कितने लोग जितना मंच से बोलते हैं समाज में जाकर प्रतिदिन समाज को तैयार करने के लिए जान की बाजी लगाते हैं, कितने लगाते हैं। बहुत लोग मंच पर बोले हैं, बुरा लगे या अच्छा लगे, ये अपने समाज को बचाने का जो आदमी सोचता है कभी भी आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, सफल करने की बहुत दूर की बात है। समाज को अच्छा लगे इसके लिए कथा करने वाले, प्रवचन देने वाले लोग बहुत हैं। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर गाने बनाने वाले लोग बहुत हैं। सवाल ये है कि क्या अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वो लोग समाज में जाकर दुश्मनों के विरोध में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए क्या अपने परिवार को त्यागते हैं, क्या अपने आपके स्वयं के अंदर जो गरूर है, गर्व है, उसको खत्म कर देते हैं और समाज के अंदर जाकर वो विचारधारा जो दुश्मनों के विरोध में है उसको स्थापित करके समाज को आजाद करने का काम करते हैं, नहीं करते हैं। बुद्धा ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, बुद्धा ने ये किया, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर उन्होंने इस देश में, दुनिया में समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व स्थापित करने के लिए अपने परिवार को छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि आपको भी छोड़ना चाहिए, मगर बाबा साहब अंबेडकर की लोगों को दुहाई देने वाले लोग क्या बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को जानते हैं, उनके त्याग, समर्पण, बलिदान को जानते हैं, नहीं जानते हैं। जानते होते तो समाज को
बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर गुमराह करने का काम नहीं करते। उनकी गुमराह करने की वजह से समाज गुमराह हो रहा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती है। वो लोग ब्राह्मणों को लेकर अपना आंदोलन चलाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं हमारे समाज में, अरे नहीं वो ब्राह्मण जो है वो बाबा साहब को बहुत मानता है। खुद बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों में वॉल्टियर पैदा नहीं हो सकता, लोगों को वॉल्टियर का पता नहीं है। समाज के आंदोलन का कहां से पता होगा, बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन का कहां से पता होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को ध्यान में रखना, जब बाबा साहब अंबेडकर का नाम लोगे और बाबा साहब अंबेडकर के लिए आप जिंदगी लगाने का काम करोगे तो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उनकी जीवनी, उनकी उद्देश्य, उनकी विचारधारा को पढ़ लेना और बाद में उसको स्वीकार करना, क्योंकि ये रास्ता जो हो बहुत कांटे भरा है, आसान नहीं है। आसान होता तो कब का हम सफल हो गए होते। बाबा साहब अंबेडकर विदेश में थे, उनका छोटा बच्चा राजरतन बीमार पड़ा। जब राजरतन बीमार पड़ा तो बाबा साहब अंबेडकर को रमाबाई ने चिट्ठी लिखी, राजरतन बहुत बीमार है। बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ी, मैं भी बाप हूं, मुझे भी अपने बेटे से बहुत लगाव था, आज भी है, मगर उनके ख्वाहिशें आज भी मैं पूरी नहीं कर सकता। बाबा साहब अंबेडकर का छोटा राजरतन भारत में बीमार है, उधर वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। रमाबाई की चिट्ठी आती है, ब्रेड पानी में डुबोकर बाबा साहब अंबेडकर खाते थे। रमाबाई की चिट्ठी पढ़ी, बाबा साहब अंबेडकर का कलेजा हिल गया। हिलने के बाद में उन्होंने रमाबाई को चिट्ठी लिखकर कहा कि रमाबाई, मैं यहां पर आया हूं भारत के मुर्दार समाज में जान डालने के लिए। भारत में जो मरा हुआ समाज है, जिनको ब्राह्मण ऊंचे जाति के लोग प्रतिदिन प्रताड़ना करते हैं, अरे शूद्र को भी मालूम नहीं कि उनके साथ क्या प्रताड़ना होती थी। ब्राह्मणों ने शूद्रों के अंदर डोली प्रथा का निर्माण किया। क्या चाहिए डोली प्रथा? अछूतों के अंदर डोली प्रथा नहीं थी, आदिवासी के अंदर डोली प्रथा नहीं थी। धर्म परिवर्तित लोग हुए उनके अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये शूद्रा के अंदर थी, कुर्मी कोयली अहिर से लेकर जितनी भी 3743 जातियां हैं उनके अंदर ब्राह्मणों ने इसको स्थापित किया था। डोली प्रथा क्या थी? जब किसी शूद्रा के घर में उसकी बेटी की शादी होती थी तो शादी के बाद आप कहां भेजते हो लड़की को? ससुराल। तो उस समय में ससुराल नहीं भेजते थे, कहां भेजते थे? ब्राह्मण के घर में, ठाकुर के घर में, राजपूत के घर में, भूमिहार के घर में। 5 दिन भेजते थे, 3 दिन भेजते थे, उसका वो शारीरिक शोषण करता था, बलात्कार करता था, और फिर इज्जत के साथ में डोली में बिठाकर उसको मायके भेजा जाता था। फिर उसके बाद वो ससुराल जाती थी। इसके विरोध में बुद्धा से लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने, नारायण गुरु ने और पेरियार ने आंदोलन चलाया। इतिहास जो भूलते हैं ना, इतिहास उनको सबक सिखाता है। कितने परसेंट है आपने बताया ओबीसी? फिर मैं बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर आ जाऊंगा। कितने परसेंट बताया था ओबीसी? 52%। ये कभी का आंकड़ा है? 51 में सेंसस ही नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस खत्म किया था। ये आंकड़ा है 31 का। 31 में भारत गुलाम था, फिर भी सेंसस होता था, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होती थी। तब उन्होंने 31 में जाति न्याय जनगणना की, तब का आंकड़ा है 52, अभी का नहीं है। 47 में भारत का विभाजन हुआ, 20% मुसलमान पाकिस्तान भेजे गए, और पाकिस्तान भेजने के बाद में 80% रहे,
80% के प्रोपोर्शनेट में 52% भारत में यदि ओबीसी है, शूद्रा है, कुर्मी कोयरी अहिर से लेकर 3743 जातियां है, तो ये आंकड़ा 63% जाता है। 63% लोग जो है वर्तमान में ब्राह्मणवादी के क्लचेस में है सारे के सारे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गुलाम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ये देखते थे कि इनके साथ में, इनके बहु बेटियों के साथ में गलत व्यवहार होता है। बाबा साहब ने कहा ये मुर्दार लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। मरा हुआ आदमी कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी किसी को मारने के लिए नहीं उठता। अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार होता था, जनजाति के ऊपर होता था, ओबीसी के ऊपर होता था, जानवर के स्तर पर गिरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखकर इस गुलामी से आजाद करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ाई के लिए चले गए। राजरतन बीमार है, चिट्ठी आई, बाबा साहब ने अम्बेडकर ने चिट्ठी लिखी कि इस मुर्दार समाज के अंदर मैं जान डालने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, इसके अंदर जान आ जाएगी तो इसके विरोध में जो गाली देगा, इसको जो पिटाई करेगा, इसके जो अधिकार छीनेगा, ये अपने आप में उसका विरोध करेगा, इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे रमाबाई के पास में 1 रुपया नहीं है, 25 पैसे नहीं है। राजरतन दवा न मिलने की वजह से मर गया, 1.5 साल का बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा दवा न मिलने की वजह से मर गया, मगर मरने के बाद भी उसके समस्या खत्म नहीं हुई। छोटा बच्चा मरने के बाद में नया कपड़ा लाते हो, उसको कफन कहते हैं। रमाबाई के लिए कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, रमाबाई ने अपने पुराने साड़ी का पल्लू फाड़ कर कफन बनवाकर राजरतन को दफन करवाया। यदि बाबा साहब अम्बेडकर के राजरतन को कफन मिलकर दवा मिलती तो शायद हम यहां पर कोई भी आदमी बैठने लायक भी नहीं होता। बातें करना बहुत आसान है, उसके ऊपर अमल करना बहुत कठिन है, क्योंकि बोलने का एक सिद्धांत होता है। जब हम बोलते हैं तो सिद्धांत लागू होता है, सुनने वाले को बाद में पकड़ता है, बोलने वाले को पहले पकड़ता है। इसके लिए बामसेब के मंच से जब यदि आप कुछ बोलते हो तो पहले उसको अनुसरण करो, अनुकरण करो, बाद में लोगों को सलाह दो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। साथियों, भारत में बांसे भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा क्यों बनाया गया, आपके सामने रेखवाल सर ने बहुत बातें रखी। लोगों का प्यार है या क्या है पता नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं से गलती होती है, मगर मैं खुले दिल से उनको ये गलती माफ कर देता हूं। रेखवाल साहब भी माफ कर देंगे, क्योंकि हमारे बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसके अनुसार वो नहीं हुआ। मुझे भी लगता था कि और 5-10 मिनट उनको दिया जाए, क्योंकि लड़ाई है, आंदोलन है, मगर उस व्यक्ति को भी मैं गुनाहगार नहीं समझता, क्योंकि अनुशासित कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं का संगठन है। सभी लोगों ने, रेखवाल साहब से लेकर मेरे तक सभी लोगों ने इसको मानना चाहिए। भारत में वर्तमान में जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई, शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि भारत में अराजकता की स्थिति पैदा हुई। भारत की अराजकता की स्थिति क्या है, बहुजन क्रांति मोर्चा क्यों बनाया गया, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारी दूंगा। साथियों, भारत में मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और इनमें से धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मतवा, लिंगायत, सरना धर्म के लोग रहते हैं, और एक बहुत बड़ा समूह है महिलाओं का। इसमें से ही इन सभी लोगों के अंदर में और एक समूह है किसान का, इन लोगों के और एक अंदर एक समूह है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, इन लोगों के अंदर और एक समूह है बेरोजगार नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का। इनके बारे में तथ्य सत्य आपके सामने जब आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बात कहते हैं कि लोग कहते हैं
कि किसी भी पार्टी का आदमी हो अपने आदमी को देखकर वोट देना, बीजेपी का होगा तो भी देना, कांग्रेस का होगा तो भी देना, अब अपना होना चाहिए। ये क्या सोच है? जिनको दुश्मन के बारे में सही जानकारी नहीं है, ये सोच दुश्मन उनके अंदर डाल देता है। दोस्त और दुश्मन की लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे, इस देश में आप अपने समाज को कभी आजाद नहीं कर सकते। दुश्मन को पहचानना होगा, दोस्त को गले लगाना होगा और दुश्मन के साथ में दुश्मनी जैसा व्यवहार करना होगा। अराजकता इसी वजह से आ गई है, नहीं तो 15% ऊंचे जाति के लोग, उसमें 3% ब्राह्मण, 85% लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते। संविधान में ऐसी प्रोविजन है, बाबा साहब अंबेडकर ने लिख कर रखा, हमारे अंदर वो पेनेट्रेट नहीं हुई, हमारे अंदर आज भी वो समझ नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में क्या लिख कर रखा। जब तक आप समाज को तैयार नहीं करोगे, समाज का सोच नहीं बनेगा, समाज का मत नहीं बनेगा, और जब तक समाज का मत नहीं बनेगा वो लाइन लगाकर आपका बटन नहीं दबाएगा। ध्यान में रखना, मुद्दे की फंडामेंटल बात बता रहा हूं। पार्टी के मंच से आप कितनी भी बात करो, आपका पीएम और सीएम होने के बावजूद भी आप शासक नहीं बन सकते। शासक की व्याख्या अलग है, पीएम की और सीएम की व्याख्या अलग है। जो लोग पीएम और सीएम बनना चाहते हैं वो कभी शासक नहीं बनते, क्योंकि शासक समाज से निर्माण होता है। शासक वही होता है जिसका समाज के ऊपर नियंत्रण होता है। ध्यान में रखना, वर्तमान में ब्राह्मणों का नियंत्रण समाज के ऊपर है, राजसत्ता पर उनका नियंत्रण है, धर्मसत्ता पर उनका नियंत्रण है, अर्थसत्ता पर उनका नियंत्रण है, ब्यूरोक्रेसी पर उनका नियंत्रण है, न्यायपालिका पर उनका नियंत्रण है, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन पर उनका नियंत्रण है, क्योंकि जाति व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। सोशियोलॉजी में सिद्धांत है, समाज व्यवस्था जिसके नियंत्रण में होती है उसी के नियंत्रण में सारी संस्थाएं और सत्ताएं होती है। हमारे लोग राजनीति की बात करते हैं, आरएसएस ने कभी राजनीति करने का प्रयास नहीं किया, आरएसएस ने समाज के अंदर जाकर काम किया, एससी के अंदर जाकर काम किया, आदिवासी के अंदर जाकर काम किया, पिछड़े वर्ग के अंदर जाकर काम किया, और बाद में फिर समाज के ऊपर जब नियंत्रण पूरा स्थापित हो गया तो फिर दिल्ली की सत्ता काबिज किया, फोकट भी नहीं किया। राजनीति ये मास्टर की नहीं है, वो मास्टर की जिसमें बंद है ना वो समाज है। समाज को तैयार करने के लिए खून बहाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। बुद्धा की दुआई देते हैं बहुत सारे लोग, चरक भिक्खवे चारिका मत्तानु हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब है कि हे भिक्खु चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहां पर? समाज के अंदर जाकर इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करो। बहुत लोग बुद्धा को मानने वाले होंगे। 5 लोग थे हमारे, लोग रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं? समाज हमको साथ नहीं देता, कर्मचारी हमको साथ नहीं देता, कर्मचारियों में हजारों संगठन है वो हमको साथ नहीं देते, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, बीवी पति का साथ नहीं देती, पति बीवी का साथ नहीं देता, बच्चे माँ बाप का साथ नहीं देते, माँ बाप बच्चों को साथ नहीं देते। और यही जब समाज चलता है, परिवार चलता है, तो जिसकी जितनी औकात होती है उसी के अनुसार वो साथ लेता है, तब पति पत्नी का चलता है, दोनों के आपस में औकात के ऊपर निर्भर होता है कौन किसका साथ लेता है। बुद्धा ने 5 भिक्खुओं के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन किया। कार्ल मार्क्स में 14 लोगों के माध्यम से दुनिया में अपनी श्रमिक की और मालिक की विचारधारा को स्थापित किया। 14 लोग थे जब वो मर गया था,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब के 40 लोग थे, ब्राह्मण ने उसको अलीबाबा 40 चोर बनाया। और बाबा साहब अंबेडकर जब मरे कितने लोग थे रोने वाले? करोड़ों। आज भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम के लिए रास्ते पर उतरने वाले लाख लोग नहीं है, भारत में करोड़ों लोग हैं। इसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा स्थापित नहीं हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर का सपने का भारत नहीं बन रहा है, इसका चिंतन करना होगा, इसका मंथन करना होगा। और सभी लोगों को अपने अंदर का गर्व और गरूर को मारकर समाज को बचाने के लिए आगे आना होगा, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, IRS हो, किसान हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, क्योंकि आंकड़े भयानक है। जब तक ये आप नहीं करोगे कि संगठन के साथ में मेरा नहीं जमता है, उसके साथ में मेरा नहीं जमता है, SC ST OBC का ऑर्गेनाइजेशन था, OBC को लगा ये SC ST के लोग जो है हमको न्याय नहीं देते हैं, उन्होंने अलग से बनाया, फिर SC ST का रहा। SC ST में आदिवासियों को लगा कि अनुसूचित जाति के लोग ही सारी लीडरशिप खा लेते हैं, उन्होंने आदिवासियों का अलग से बनाया। फिर आदिवासियों को लगा अरे ये तो सारा भील खा लेते हैं, गौड़ को कुछ नहीं मिलता है, फिर गौंडों का अलग बन गया, भील का अलग बन गया, बिलाला का अलग बन गया। पढ़े लिखे लोग हैं ना हम लोग, क्या इस देश की व्यवस्था को नहीं जानते? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने जो किताब लिखा उसके बारे में हम नहीं जानते? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा उसके बारे में हम नहीं जानते? पढ़े लिखे हैं? मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अनपढ़ लोग छोड़ दो, ग्रेजुएट लोग छोड़ दो, यहां पर बैठे ईमानदारी से कितने आदमी ग्रेजुएट है इतना बताओ, कितने आदमी ग्रेजुएट है? बहुत है, बहुत है, बहुत है, महिलाओं में भी होते हैं, सर भी है। दूसरा मेरा सवाल है कि आपको पढ़ने का अधिकार संविधान के अंदर दिया, संविधान के पहले नहीं था, फिर मेरा दूसरा सवाल है संविधान कितने लोगों ने पढ़ा? अभी हाथ ऊपर उठाइए, पढ़ा होगा तो उठाइए, क्योंकि मैं पूछने वाला नहीं हूं, मैं ही खुद बताने वाला हूं इसके लिए कोई, मगर हमारे लोग बहुत ईमानदार हैं, देखा, इतनी ईमानदारी ब्राह्मणों में दिखाई नहीं देती जितनी आपके अंदर है। और ये ईमानदारी को ब्राह्मणों ने अपना हथियार बनाया और हथियार बनाकर आपको गुलाम बनाया। और जिन्होंने संविधान पढ़ा, क्या उसके अंदर के आर्टिकल जो है कभी इंटरप्रिट करने का, समझने का कोशिश किया? और इस संविधान को जनता तक लेके जाने के लिए कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 घंटा दिन में इस आंदोलन को तैयार करने के लिए कितने लोग कर रहे काम जिन्होंने संविधान पढ़ा? ये तो वामसेप के कार्यकर्ते हैं, वामसेप के छोड़ के, वामसेप के कार्यकर्ता से मैं ये नहीं करता कि वो 2 घंटा, वो 3-3, 4-4 घंटा करते हैं, उनके लिए 2 घंटा कोई मायने नहीं रखता है, कोई नहीं करता है। समाज को ब्राह्मण अपने अनुसार तैयार कर रहा है, और इतना तैयार किया है कि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रकाशित करूंगा अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में। अभी हम लोग राजगढ़ में बैठे हुए हैं, और राजगढ़ में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति के आप हैं? कितना परसेंट है अनुसूचित जाति के लोग राजगढ़ में? मैंने तो हर राज्य में, स्टेट में जाता हूँ, जिले में जाता हूँ, तो पहले वो सारा हिस्ट्री भी निकालता हूँ कि जिस जिले में मैं पाँव रखता हूँ उस जिले की हिस्ट्री मेरे पास में होती है, एंशियंट हिस्ट्री होती है, क्योंकि जब पता रहेगा तभी आपको बता पाऊंगा ना, क्योंकि ये तो हमने हमारे पुरखों से जो हमारे ऊपर कर्जा है वो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ समाज के ऊपर। बामसेप के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था, बामसेप ने पहला पाठ पढ़ाया, समाज को देना है लेना नहीं है, और सब कुछ देना है वो सारा समाज का है,
इसीलिए तो हम लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में समाज के अंदर 24 घंटा दे रहे हैं। मैं कोई आलतू फालतू आदमी नहीं हूँ, इतना बात ध्यान में रखना कि कोई बेरोजगार भी नहीं हूँ कि भाषण देने से मेरी रोजी रोटी चलती है। बहुत सारे रोजी रोटी की रोजी लोगों की रोजी रोटी भाषण से चलती है, मेरी रोजी रोटी भाषण से नहीं चलती, मेरी रोजी रोटी समाज चलाता है। और रोजी नहीं चलाता है, रोटी ही चलाता है, रोजी की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूँ, आज भी जी सकता हूँ, एसी में घूम सकता हूँ, एसी बंगले में रह सकता हूँ, है सब कुछ, मगर समाज का ऋण, समाज का कर्जा चुकाना है मुझे, समाज का कर्जा नहीं चुकाऊंगा, मेरे बेटे को देना पड़ेगा, और वो इतना देना पड़ेगा कि बाद में वो देने लायक नहीं रहेगा, आप भी देने लायक नहीं रहोगे। इस मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रखता हूं, लगभग 21-22% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, 21.1 सेंसस का आंकड़ा है 2011 का, 6.57 लोग जो है मुस्लिम है, और लगभग 15.6% जो लोग है वो शेड्यूल कास्ट है, और ये सारे ब्राह्मणवाद से पीड़ित है। भाई ओबीसी को अभी हाथ नहीं लगाता हूं, उसको रिजर्व में रखा हूं, वो हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है, वो बड़ा भाई है, उसको मैं हाथ नहीं लगाता। लगभग मध्य प्रदेश में वो रिजर्व में है, और इनकी संख्या जो होती है 22-15 और 7 यदि पकड़ा जाए तो लगभग 44% जो लोग है एससी एसटी माइनॉरिटी के मध्य प्रदेश में है, और 44% लोग जो है मध्य प्रदेश में, सरकार के आंकड़े भाई आपके सामने रखूंगा कि जो कर्मचारी 20 साल से कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पार्टियां 20 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने हमको कहां तक लाकर खड़ा कर दिया है, इसका भी तो लेखा जोखा करना होगा ना, हमारा भी तो ऑडिट करना होगा ना। मैं आंकड़े आपके सामने सुनाऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये कहता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में 42.8% रूरल एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं। आपको बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं मालूम होगी, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा भी आपको मालूम नहीं होगी कि जो आदमी सिटी में 42 रुपया कमाता है एक व्यक्ति की आय, वो गरीब है, और देहात में 38 रुपये कमाता है वो गरीब है। सेन गुप्ता का रिपोर्ट कहता है कि भारत में 6 रुपए से लेकर 20 रुपए कमाने वाले 70% लोग हैं। भारत को छोड़ देता हूं, मध्य प्रदेश की तरफ ही हम आते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 15 साल ब्राह्मणों का शासन रहा, ये जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ये ब्राह्मणों का रखेल है। जैसे कि भारत में लोग किसी के बारे में कहते हैं, अरे ये उसकी बीवी है और वो उस दिन चाय लाई थी, वो रखेल है, ऐसे रखा है, अनऑथराइज नॉमिनेटेड। हम समझते हैं ये हमारा है, 44% लोग समझते हैं ये हमारा है, ओबीसी समझते हैं ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। अभी आपने चावल की खेती लगाई होगी, भात लगाया होगा, पंछी दाने खाने के लिए आएंगे तो आप क्या करते हो, एक मड़का लेते हो, उसको मूछ निकालते हो, फिर डंडा डालते हो, फिर उसको एक ऐसा बांधते हो, फिर फटे पुराने कपड़े पहनाते हो, नए कपड़े का
धोखा मैंने नहीं देखा है। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में इसको? काक भगोड़ा। चलो काक भगोड़ा। काक भगोड़ा का मतलब है कि पंछी को भगाने के लिए जो आदमी होता है वो। पंछी आते हैं उसको देखते हैं। पंछियों को इस देश की किसान की हालत मालूम है कि फटे पुराना कपड़े पहनकर किसान ही खेत में रहता है, बाकी कोई खेत में नहीं रहता। इसीलिए किसान उसको फटे पुराने कपड़े पहनाता है, नए नए पहनाता है, क्योंकि पंछी जो है ना हमारे लोगों से ज्यादा समझदार है। हम समझदार नहीं है। कुत्ते को साले चार जूते मारो प्रतिदिन, पांचवें दिन अपने पास नहीं आएगा, मगर हमारे लोग संविधान के बाद में 68 साल जूते खा रहे हैं फिर भी उधर ही जा रहे हैं। कुत्ता समझदार है मगर हमारे लोग समझदार हैं। मध्य प्रदेश में ये आंकड़े भयानक है, मध्य प्रदेश के आंकड़े। और मध्य प्रदेश में हिंदू के नाम पर घूटी पिलाई जा रही है, और इसके लिए कौन काम कर रहे? अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं। 42.8% शेड्यूल कास्ट जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में 67.3% शेड्यूल कास्ट के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कुपोषित लोग है। ये किसके आंकड़े हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मध्य प्रदेश के लिए लिखे गए ये आंकड़े हैं। ओबीसी का आंकड़ा इससे भी भयानक है। ओबीसी रूरल एरिया में 55.5% है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो नेतागिरी करने में अपनी जिंदगी लगाते हैं, ओबीसी महासभा के नाम पर अलग अलग संगठन बनाते हैं, उनको ये आंकड़े जो है आंख में जो डालते हैं ना, ये देखना चाहिए। 50.5% ओबीसी के लोग अर्बन एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, कुपोषित है, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। और 29.6% लगभग 30% जो ओबीसी के लोग हैं वो रूरल में हैं। और लगभग ये आंकड़ा यदि आप ओवरऑल निकाला जाए तो मध्य प्रदेश में 66% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 100 में से 66 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और 70% लोग जो है गरीबी रेखा के थोड़े ऊपर है, गरीब है। दूसरा आंकड़ा मैं भयानक आंकड़ा जो है कर्मचारियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। कर्मचारियों के संगठन बहुत काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आंकड़ा ये बताता हूं कि मध्य प्रदेश में 2015 में और 2017 में बेरोजगारी कितनी बढ़ी। जो कर्मचारी है वो किसके लिए काम कर रहा है? मेरा ट्रांसफर ना हो, मेरा रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, वो लड़ाई इसकी लड़ रहा है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश में हर कर्मचारी ने 10,000 रुपया दिया होगा संगठनों को। किसके लिए? रिजर्वेशन इन प्रमोशन की केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। यदि वो समाज को तैयार करने के लिए प्रयास करते तो शायद रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस ही पैदा नहीं होता। तो ये क्या कर रहे हैं? अच्छा टेबल मिलना चाहिए। टेबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेबल के ऊपर काम होता है, दूसरे टेबल के ऊपर काम होने के बाद में नीचे से पैसे की बौछार होती है। एक टेबल टेबल के ऊपर काम होता है, दूसरा टेबल टेबल के ऊपर काम करने के बाद में नीचे से पैसे की बौछार होती है। तो हमारे कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, किस लिए संगठन बनाते हैं? कि आप हमारे साथ अन्याय करते हो, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को अच्छा टेबल नहीं देते हो, सारे टेबल ब्राह्मणों को देते हो। अच्छा टेबल का मतलब है पैसा मिलना, इसके लिए लड़ाई है। ट्रांसफर के लिए लड़ाई है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर के
कार्यक्रम जो होते हैं जयंती के, उसके लिए लड़ाई है। हम खर्चा नहीं करेंगे, सरकार ने खर्चा करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के हैं। अरे भाई वो उनको तो मालूम है किसके नहीं है, उसको मालूम है। इसीलिए तो जब संविधान निर्माण हुआ और संविधान को स्वीकार किया गया, क्या तारीख है संविधान को स्वीकार करने की? 26 26 नवंबर 1949, ये अंगीकृत की तारीख है। आप लोगों ने और उसके साल बाद संविधान नहीं पढ़ा। ब्राह्मणों ने स्वीकार करने के पहले अंगीकृत जिस दिन किया उसी दिन संविधान पढ़ा, और ठीक 15 दिन बाद 11 दिसंबर 1949 को संविधान की कापियां रामलीला मैदान नई दिल्ली में जलाई। ये पहली बार थोड़ी जलाई, ये पहली बार नहीं जलाई गई। लागू होने के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले भारतीय संविधान आरएसएस ने, ऊंचे जाति के लोगों ने, कांग्रेस ने दिल्ली में 11 दिसंबर 1949 को जलाया। जलाने के बाद में उन्होंने देखा जलाकर काम नहीं होगा, क्योंकि जलाने के बाद में वो तो संविधान वैसे ही है, समाज के अंदर जाकर काम किया। और जो लोग संविधान का फायदा लेते हैं, जिनको हक और अधिकार मिले हैं, उन लोगों को तैयार किया। अरे ये भलाई जो है ज्यादा संख्या में नौकरी में लगा है, तुम चमार हो, चमार नौकरी में नहीं है ज्यादा। भलाई और चमार का झगड़ा किसके आधार पर? नौकरियों के आधार पर। जो जातियां हमारे अंदर जाति के आधार पर किसको कितना हक मिला है इसके लिए झगड़ा करती है, वो लोग कभी ये नहीं देखते ब्राह्मणों को कितना मिला है। ब्राह्मणों को कितना भी मिलने दो, मगर मेरे भाई को नहीं मिलना चाहिए। ये सोच ब्राह्मण ने डेवलप करके हमारे संगठनाओं के अंदर डाल दिया है। संगठनाओं का कैडराइजेशन नहीं हुआ। संगठनाओं का उद्देश्य होना चाहिए, संगठनाओं की विचारधारा होनी चाहिए, संगठनाओं के कार्यक्रम होने चाहिए। युद्ध तो तभी लड़ा जाएगा ना। निरुद्देश जो लोग संगठन बनाते हैं कभी आजादी की नहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ सकते हैं जिसमें वो कभी सफल नहीं हो सकते। राजनेता को आप पैसा दोगे, आप में से कुछ लोग खड़ा करोगे, बहुत सारी जातियां मध्य प्रदेश में ऐसी जो है उसको बाबा साहब अंबेडकर ने विशेष अधिकार दिया। मध्य प्रदेश में 21-22% वो लोग हैं, मगर 21-22% बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। पांचवी अनुसूची के तहत उनको विशेष अधिकार है, जल जंगल जमीन के कानून उनके लिए बनाए गए, वो हिंदू नहीं है। सबसे बड़ा ब्राह्मणाइजेशन मध्य प्रदेश में आदिवासियों का हुआ है, जो आदिवासियों का अनुसूचित जाति ओबीसी और माइनॉरिटी के विरोध में लड़वाया जा रहा है। ओबीसी जो है, ओबीसी के आंकड़े मैं बता रहा हूं, दूसरा जो आंकड़ा रह गया वो भी मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको वास्तविक जानकारी मिले कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं तो उसके ऊपर मैं अमल पहले अमल करता हूं बाद में बोलते हैं। ये आंकड़ा है द स्टेट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश का। ये आंकड़ा बताता है कि 2015 में और 2017 में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट इन मध्य प्रदेश ये 53% दो साल में बढ़ी है। कितनी बड़ी? दो साल में 2015 से लेकर 2017 तक ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये 53% बढ़ी। यदि एक आदमी 2015 में बेरोजगार होगा तो वर्तमान में उसकी संख्या जो है परसेंट यदि निकाला जाए
तो लगभग डेढ़ आदमी बेरोजगार हुआ। 53 टाइम्स नहीं, परसेंट बढ़ी। एक आदमी के बराबर एक का मतलब है 100%, 53 का मतलब है आधा। मतलब यदि दो लोग बेरोजगार होंगे तो दो साल के बाद में तीन लोग बेरोजगार हो गए। बस स्टेट इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि मध्य प्रदेश में पोस्ट जितने पोस्ट ग्रेजुएट है उनके अंदर आत्महत्या करने का जो परसेंटेज है ये 5 साल में 2000% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 2000%। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो है, जो कर्मचारी और अधिकारी बने हैं, वो सीआरएस के नाम पर 20 और 50 का जो कानून है उसके तहत समीक्षा करके बाहर निकाले जा रहे हैं। 20 साल सर्विस हुई, समीक्षा होगी, समीक्षा ब्राह्मण करेगा, बाहर। 50 साल उम्र हुई, समीक्षा होगी, ब्राह्मण समीक्षा करेगा, बाहर। पहले हमारे लोग टीचर करके लगते थे, अभी सेवक करके लगते हैं, संविदा में लगते हैं, 3000 में, 5000 में, 8000 में। और हर पार्टी जब सत्ता में आती है तो आने के पहले संविदा शिक्षक को बताती है, क्या बताते हैं, नहीं नहीं आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करो। यहां पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मितानी नाइकी ने मुझे पता नहीं, जिसको आरोग्य सेविका कहते हैं, आरोग्य सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा के शिक्षक, ये सारे के सारे प्लान बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए आपके अंदर बनाया है। ये सारे के सारे लोग ब्राह्मणवाद का प्रचार और प्रसार करते हैं, वोट बैंक निर्माण करने का काम करते हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का आंकड़ा यदि देखा जाए तो 16 नवंबर 1992 को भारत में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 27% देना चाहिए। संविधान में कितना लिखा हुआ है? लोकसंख्या के अनुपात में, संविधान के दायरे में कोर्ट आता है, कोर्ट के दायरे में संविधान नहीं आता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है। संविधान के विरोध में जाकर फैसले देने का अधिकार इस देश के किसी भी आदमी को नहीं है, ना संसद को है, ना सुप्रीम कोर्ट को है, ना हाई कोर्ट को है, किसी को भी नहीं है। जनता सुप्रीम है भारत में। बाबा साहब ने आपको सुप्रीम रखा, वो जानते थे कि ये 85% आज नहीं तो कल जाग जाएंगे, और जब जाग जाएंगे तो अपने हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तो इस देश में उनके विचारों का राज स्थापित करने के लिए ये लोग प्रयास करेंगे। ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही है, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 27% ओबीसी को देना चाहिए। अभी 25 साल पूरा हो गया, 16 नवंबर 2017 को 25 साल पूरा हो गया, ओबीसी को ही पता नहीं कितना भरा गया। कौन है यहां पर ओबीसी भाई? कोई ओबीसी है? कितना भरा गया भाई? हाँ, परसेंट कितना? परसेंट नहीं, कितना भरा गया? लागू होने के पहले 3% था, अभी वो 5% हो गया, 27 होना चाहिए था, 22% आपका बैकलॉग 25 साल बाद भी जैसा का वैसा है। 25 साल बाद आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस डॉक्टर वकील इंजीनियर ये ओबीसी में पैदा नहीं हो रहे हैं। पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण साजिश करके उनको बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि जब जब इस देश में ओबीसी जागृत हुआ, इस देश में क्रांतियां हुई, ध्यान में रखना।
और इसीलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा वर्क ओबीसी के ऊपर करता है कि कभी भी ओबीसी उसके क्लचेस से बाहर ना निकल कर जाए। आपको भी देखेंगे ना ब्राह्मण तो आपके पीछे लग जाएंगे कल से, अरे ये तो बहुजन क्रांति मोर्चा के संबंध में कह था, पकड़ो इसको। ऐसा होता है, गधे की, घोड़े की, कुत्ते की, गाय की, गाय का भी आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है, जानते हो? गाय का आधार कार्ड बनना उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, गाय का आधार कार्ड। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग उन्होंने जानवर के स्तर पर गिरा दिए हैं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, बिल्कुल सिद्धांत है। कितने परसेंट है साहब आपके लोग भारत में, आप बताइए? आपके 16%, इतने नहीं है, भारत सरकार इतना नहीं है, मध्य प्रदेश में 6.57 है, भारत में लगभग 11% हो सकते हैं। लोग भारत में है और ये लोग, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं मेरठ में हुए उत्तर प्रदेश में जब मैं घूम रहा था तब मेरठ में मैं गया तो कार्यकर्ता बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार खुश क्यों होता है, जब कार्यकर्ता खुश होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डर जाता हूं, क्योंकि जब कार्यकर्ता खुश होता है तो मेरी सबसे ज्यादा कटाई और पिटाई होती है। मैं कितना भी थका रहूंगा तो कार्यकर्ता कहते नहीं नहीं सर बस कुछ नहीं, आपको बस 10 मिनट बोलना है। अभी भी मैं लगातार ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, जीप में हूँ, अभी अभी 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था, मुंबई से वापस बड़ौदा आया, बड़ौदा पे कार्यकर्ता एकदम खड़े थे, मैंने देख के ही समझ गया कि आज अपना कुछ खड़ा नहीं है, वो खिलाएंगे थोड़ा सा और निकालेंगे ज़्यादा। तो जैसे हाथ मिलाए मैंने क्या बताइए सर क्या, नहीं नहीं बस इधर से 1 किलोमीटर है, गाड़ी है अपनी, जाने का है, 10 मिनट आपको बस भाषण देना है, 10 मिनट के बाद में निकलना है। SC ST OBC माइनर के लोग थे, मैंने शुरू किया, सर आप टाइम की चिंता मत कीजिए, आप जो है नीमच में बहुत सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, आपकी गाड़ी है आप पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 1 घंटा 10 मिनट मेरे से उसने बुलवाया। ये बात और है कि वो सारे लोग जो है काम करने के लिए तैयार हो गए, वो जानते कि मेश्राम साहब ने हमको घुट्टी पिलाकर इतना ताकतवर बना दिया कि साले किसी भी मोहन भागवत के साथ में हम पंगा ले सकते हैं, इतनी घुट्टी पिला पिलाकर हमारे अंदर ऊर्जा और ताकत भर दिया मेश्राम साहब ने, क्यों हम कैडराइज हैं, अनुशासित हैं, हम जानते हैं क्या करना चाहिए, कैसे नहीं, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, किसके अंदर करना चाहिए, ये भी जानते हैं। तो भारत में मैं मेरठ में गया, मेरठ में कार्यकर्ता खुश हुआ, मैं डर गया, मैं बोला ये आज कुछ छोड़ने वाला नहीं, एक तो मैं बहुत थका हूं, ये सोने देने वाला नहीं है। वो बोला सर ये उलेमा लोगों की एक मीटिंग है, उलेमा ने बामसर के कार्यकर्ताओं को बोला है, मुझे बुलाया, मेरा नाम, आप आ गए हैं तो आप ही बोल लीजिए, मैं तो नहीं झेल पाऊंगा ना ये सारा। हम गए वहां पे, अवतार बैठा था, अवतार में हम जाकर बैठ गए। बैठने के बाद में उलेमाओं ने, राजस्थान का एक बहुत बड़ा उलेमा था, उसने सवाल किया, सर आपका नाम तो बहुत सुना है मगर एक सवाल है, बामसे मुसलमानों के लिए क्या करते हैं, एक लाइन का सवाल है। मैंने कहा बड़े भैया आपको इसका जवाब अवतार में यदि दिया तो 20-25 लोग यही सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मंच पर दिया जाए, सही लगेगा लोग सुनेंगे, नहीं लगेगा जूते मारेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है उधर दिया जाए। बड़े उलेमा के पहले उन्होंने मुझे बोलने के लिए इजाजत दिया। मैंने कहा कि हमारे बड़े भाई उलेमा साहब ने मुझे एक सवाल पूछा था, लगभग 8-10 हजार की भीड़ थी, सारे मुस्लिम थे, LIB वाले भी मुस्लिम थे,
और उनको मैंने कहा कि ये उलेमा साहब ने एक सवाल पूछा था कि बामसेफ मुसलमानों के लिए क्या करती है, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, मगर एक तो उलेमा साहब ने मंच पर आकर कहा कि हम मुसलमानों के अंदर जागृति फैलाने का काम करते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा लेते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम लेते हैं। मैंने कहा धन्यवाद साहब, बैठ जाइए, बैठ गए। मैंने कहा जितने भी लोग मुसलमान के लिए काम करते हैं, नाम मुसलमान का होता है, काम मुसलमान के अंदर करते हैं, और रिजल्ट जो है वो आरएसएस के समर्थन में चला जाता है। जितने भी मुसलमान मुसलमान के नाम पर संगठित होते हैं, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, ओबीसी को हिंदू बनाने का आसान हथियार मुस्लिम लोग आरएसएस के पास में सौंप देते हैं, और एससी एसटी ओबीसी एकदम हिंदू बनने के लिए लालायित होता है जब मुसलमान मुसलमान के नाम पर संगठित होता है। हम बामसेफ के लोग, इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लोग जो हिंदू नहीं है, उनको ब्राह्मणों ने हिंदू बनाया। ब्राह्मणों का सबसे अर्वाचीन ग्रंथ जो है वो गीता है, जिसको जेल में जो संस्कृत का ग्रंथ था उसको प्राकृत में लिखा गया बाल गंगाधर तिलक ने, ताकि ब्राह्मणों के अंदर जागृति फैल जाए। उसमें भी लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, हिंदू ने लिखा हुआ है। आरएसएस जान की बाजी लगा रहा है भारत को हिंदुस्तान बनाने का, भारत को हिंदू बनाने का, और हमारे लोग आरएसएस के विरोध में मंच से बोलते हैं और अपने मुंह से ही हिंदुस्तान कहते हैं। समझ में नहीं आता कि वो आरएसएस का काम करते हैं कि हमारा काम करते हैं। बामसेफ इस देश में एससी एसटी ओबीसी जो मूल निवासी है उनको एससी एसटी ओबीसी बनाकर इस देश में फसाद बंद करवाने का काम करता है। फसाद से याद आया, फसाद से याद आया, भारत में जो लोकतंत्र है 11% मुसलमान है, 16% लगभग शेड्यूल कास्ट है, 1.2% जो है आदिवासी है, ओबीसी है, धर्म परिवर्तित लोग है 85% है, 85% का बहुमत होना चाहिए। बहुमत के लिए हम कुछ भी करते हैं, जिनका सिद्धांत नहीं होता है उनके साथ भी हम लोग जो है, बिल्कुल सही बात है। एक 5 मिनट में आपकी अनुमति से मैं 5 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं मुझे खुद को इस कार्यक्रम को 9 बजे समाप्त करना था। मैं भी जानता हूं कि आप लोग कितने महान हो, यहां बैठे हुए नहीं बाहर बैठे हुए, वो भागवत कथा सुनने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर दूर दराज से जहां भागवत होता है वहां आ जाएगा, रात भर कीर्तन सुनेगा, भांग पीता है ऐसा झूमेगा, गांजा पीता है ऐसा झूमेगा, मगर जब समाज का प्रबोधन होता है तब उसको जल्दी घर जाने की बहुत ये होती है कि नहीं थोड़ा जल्दी खत्म होगा तो घर जाएंगे। मैं भी इस बात को जानता हूं, क्योंकि हमारा समाज का अभी दिमाग प्रगल्भ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे समाज को ब्राह्मणों ने जानवर के स्तर पर गिरा दिया है। यही बात मैं आपको समझाऊंगा और अपनी बात लगभग जो है समाप्त करूंगा। दुनिया में लोग जो है देश को चलाने वाले, जहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को समझाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, मुझे वोट क्यों देना चाहिए, मगर भारत में लोगों को समझाया नहीं जाता। भारत में लोग जानवर को ध्यान में रखकर वोट देते हैं, जानवर को, अरे नहीं ये जानवर बचाने वाला है उसको वोट दिया जाए, अरे नहीं ये जानवर को बचाने वाला है उसको वोट दिया जाए।
लोग गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या देती है गाय? गाय क्या देती है? दूध और गोबर और अरे मूत्र भी तो बेचता है ना वो मूत्र। हाँ उसमें कुछ नहीं होता है मगर बेच रहा है, गधे बना रहा है। गाय दूध देती है, गोबर देती है, मूत्र देती है, मांस देती है, हड्डियां देती है, और कुछ देती है? नहीं देती है। अच्छा अभी हाँ सत्ता भी दे रही है मगर कैसे दे रही है ये भाई बताता हूँ। दुनिया में गाय जो है गोबर देती है, मूत्र देती है, मांस देती है, हड्डी देती है, बछड़ा भी देती है। भारत में मौलवी साहब दो काम ज्यादा करती है, अनुसूचित जाति की और मुसलमान की कटाई और पिटाई करती है, और एक काम करती है वोट भी देती है। सिर्फ सत्ता ही नहीं देती, कटाई और पिटाई भी करती है। ये दो अतिरिक्त काम जो है भारत की गाय करती है। हमारे सामने सवाल है कि समाज को संबोधित और प्रबोधित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर हमारे महापुरुष ने जो उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस देश में संविधान लिखकर हमको आजाद किया, संविधान में आर्टिकल 326 है जिसके तहत आपको राजा बनने का अधिकार है, वोट का अधिकार है, मगर हमारे लोग जो है खुद राजा बनने के बजाय दुश्मन को राजा बना रहे हैं। संसद पर उनका कब्जा है, 3% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल, AIDMK, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 5 नेशनल पार्टियां कितनी परसेंट ब्राह्मणों की? 3.5% ब्राह्मणों की, और 85% लोगों की कितनी नेशनल पार्टियां है? कौन सी? उसको लेटर मिल चुका है, पढ़ लेना साइट पर जाकर, जो कमिश्नर है ना चुनाव उसके साइट पर जाकर पढ़ लेना, उसकी जो मान्यता है क्यों रद्द न किया जाए नेशनल, ये लेटर दिया गया है। अभी उसके पास में वो नहीं है, अभी आएगा, इस चुनाव में बनेगी तो बन सकती है, अदरवाइज वो भी नहीं है, एक भी नेशनल पार्टी नहीं है। मगर हमारे लोग जो है वो मानते हैं कि है, नहीं है, एक जमाने में थी, इसको मैं नकारता नहीं हूँ, थी, मगर अभी नहीं है। वो लेटर मिल चुका है, मान्यता का लेट, ये जो है मान्यता रद्द क्यों नहीं किया जाए, ये लेटर मिल चुका है। अभी कार्यकर्ताओं को बताते नहीं, अभी क्या करेंगे? अपने दांत, अपना वोट, अपना जीप। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां, 50% की एक भी नहीं है, और कुछ रीजनल पार्टियां है, वो सिर्फ जिंदाबाद और मुद्दाबार करने का और ब्राह्मणों को कैसे जितवाने का रास्ता साफ करने का, इसके लिए बहुत सारी रीजनल पार्टियां काम करती है, नाम महापुरुषों का लेती है। भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने आपको लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र के 4 पिलर्स है, संसद जिसको विधायिका कहते हैं, कानून बनते हैं आपके लिए हमारे लिए, दूसरा कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी, तीसरी न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है प्रचार माध्यम। अभी संसद में 52 का चुनाव हुआ, तब से लेकर आज तक ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा, वर्तमान में 48% ब्राह्मण ऊंचे जाति के संसद में है, वर्तमान में 2014 की लोकसभा में, और बाकी जो है सारे ब्राह्मणवादी है। एक तंत्र हो गया उनका कब्जा, दूसरा तंत्र कार्यपालिका में 3% मुसलमान है या ISIPL, ध्यान में रखना, उसमें से 1.5% जो है डायरेक्ट UPSC से गए हैं, 1.5% प्रमोटी है, और 5% जो है ODC के हैं। कार्यपालिका में 80% ब्राह्मण है, कार्यपालिका उनके कब्जे में। जुडिशियरी में 98% ब्राह्मण है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका उनके कब्जे में। मीडिया में 100% ब्राह्मणों का कब्जा है, लोकतंत्र पर 4 स्तंभ पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। किसके माध्यम से किया? हमारे माध्यम से किया। भारत में अभी लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस ने भारत में लोकतंत्र कभी का खत्म किया है। राजा राम सीताराम
अंदर जागृति पैदा करना होगा और तभी ये राजा राम सीताराम का खेल बंद होगा, क्योंकि लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे तो सारे पार्टियों को कहेंगे कि अभी ये आप भी अपना खेल बंद करो और कोई ना कोई तीसरा विकल्प तैयार करना। कभी भी ब्राह्मण को गुलाम बनाने का कोई भी आर्टिकल बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा, उनको भी आजादी दिया, उनको भी बोलने का हक दिया, उनको भी विधायक और सांसद बनने का हक दिया, ये सारा का सारा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, मगर हमारे ऊपर जिम्मेवारी डालकर किया कि ये पढ़े लिखे लोग आगे जाकर समाज के अंदर समानता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व दुश्मन के विरोध में सोच बनाकर समाज को तैयार करेंगे और समाज को तैयार करके जो मैंने संविधान लिखा है उसको 100% लागू करेंगे। मगर ये नहीं हुआ, संविधान समाप्त हो गया, लोकतंत्र पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, ब्राह्मण तंत्र स्थापित हुआ, ये सारा समाप्त करने का एकमात्र विकल्प आपके सामने है और ये विकल्प ये है कि सारी संगठनाओं को बहुजन क्रांति मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा लाकर इस देश में तीसरे आजादी का बिगुल बजाना होगा, लोगों के अंदर जाकर काम करना होगा, लोगों को समझाना होगा। आप ये काम करोगे ऐसे आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण यहीं पर समाप्त करता हूँ, मगर एक मिनट आपका लेता हूँ। ब्राह्मण प्रवचन देता है तो क्या करता है, आरती घुमाता है ना, क्या सोचे ब्राह्मण की आरती के पीछे, ये सोचता है कि मैंने ये लोगों को समझाया गुलाम बनाने के लिए, ये गुलाम बने कि नहीं ये टेस्ट करने का वो मामला होता है। हमारे लोगों के सामने आरती घुमाई जाती है SC ST OBC के सामने, वो देखता है ऐसा करता है जेब में हाथ डालता है, जितने रुपए आए उतने डाल देता है, क्योंकि ये पाप पुण्य का मामला है, ये मोक्ष का मामला है, ये स्वर्ग नरक का मामला है। अरे स्वर्ग नरक तो इधर है, ऊपर नहीं है। वो देखता है कि अरे यादव ने डाला हो गया पक्का गुलाम, अरे चमार ने डाला हो गया पक्का गुलाम, हाथ में इतना बड़ा लाल पीला धागा बांधकर ब्राह्मणवाद के विरोध में भाषण देते हैं, हमारे लोग बहुत बुरा लगता है, छोड़ देना चाहिए ये काम। और इस समाज को बनाने के लिए आपको बुद्धि समय श्रम हुनर पैसा देना होगा, दुश्मन से नहीं आएगा और आपसे आएगा। यदि आपने जो बेटी बातें सुनी आंदोलन के संदर्भ में वो यदि आपको सही लगती है तो आपको भी गुलामी से आजाद होने के लिए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देना होगा। मैं देखूंगा कि कितने लोग आजाद होना चाहते हैं, यहां आकर देना होगा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। आप आजाद होना चाहते हो, कैसे कहा जाए कि आपने ये बात मेरी मान ली। मानने का एकमात्र सिद्धांत है कि आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आपके पास में जो शक्ति है शक्ति के अनुसार आप दे सकते हो। धन्यवाद। और ये आप देंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। धन्यवाद।